लास्ट वीडियो मैंने 3 महीने पहले डाली थी, यस 3 महीने, मुझे कॉलेज में आए 3 महीने हो गए, पिछले 3 महीनों में बहुत कुछ चेंज हो गया है, ये वीडियो उसी के बारे में। वेल, कॉलेज जाने से पहले मैं भी यही सोचता था, यू नो नया जगह, नई लाइफ, नया शहर, लोग जो यू नो लाइक एकदम बचपन से पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, एकदम से उठ के अलग से नई लाइफ स्टार्ट करना, यू नो कितनी अजीब सी होती होगी, मे बी मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट अगर नहीं कर पाया तो सारी चीज़ें खुद अकेले हैंडल करनी होगी, अकेले कपड़े धोने होंगे, ऑल दो वी हैव टू डू लॉन्ड्री, बट वो यू नो हाउ इट इज। सो सवाल अब बनता है कि क्या 3 महीने बाद मैं कॉलेज को अपना पाया हूँ, क्या मैं सही से अकेले रह सकता हूँ, क्या मैं रहने की स्किल को डेवलप कर पाया हूँ। पहले इससे पहले मैं इस सवाल का आंसर दूँ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉलेज लाइफ, दैट इज हॉस्टल। कॉलेज लाइफ कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है, तो अपने कॉलेज की मोस्ट ऑफ द हॉस्टल में करने वाले हो, मैट्रिक क्लासेस के बाद चिल अपने हॉस्टल में करने वाले हो, सबमिशन से पहले असाइनमेंट भी हॉस्टल में करने वाले हो, इनफैक्ट एग्जाम से एक रात पहले हॉस्टल में पढ़ने वाले हो। कल सुबह पेपर है ना? हाँ, पेपर सुबह पेपर है ना? ये लौंडे क्या करे इधर, क्या करे तुम लोग, पेपर है कल, जाओ पढ़ो सालो। बट ओ वेट, मैं तो तुम्हें अपना हॉस्टल टूर करवाने के लिए, चलो करवाते हैं, आ जाओ। दिस इज हाउ हॉस्टल डॉर्मेटरी लुक्स, दिस इज एफ विंग। पी गई चाबी? तो हॉस्टल में सब कुछ ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, ये बेड है, पिलो अभी लाना बाकी है, बाकी पिलो कवर अंदर रखा हुआ है, और ये अलमारी, ये स्टडी टेबल है, ये शू रैक वगैरह इस ऐसा टाइप का, और इस तरफ ये हमारे प्रिय सीनियर्स ने कुछ लिखा हुआ है जो कि एकदम फॉलो करना है मेरे को, और इधर कुछ बुक्स कॉपीज, इधर बस एक ही स्विच है, बाकी ट्यूबलाइट है, फैन है, और ये मेरे रूममेट्स का बेड है, बस दैट्स इट, इतना ही मेरा हॉस्टल टूर, कुछ और खास है नहीं। वेल, मोस्टली शाम का शेड्यूल ऐसे ही होता है, कभी कोई क्लब की मीट होती है, या फिर कहीं पे बैड ही फुटबॉल खेलने चले जाते हैं, या फिर मैच जाके रूम पे जाते हैं, देन थोड़ा कोडिंग कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो एडिटिंग करते हैं, फिर भी क्लब का काम होता है तो वो कर लेते हैं, और कोई अगर असाइनमेंट वगैरह बचा है तो वो भी कर लेते हैं, अब देन तो रात को हॉस्टल यू नो तो दोस्तों के साथ बच्चों की कंपल्सरी, और फिर ये चीज़ होती है, बट नॉट एग्जैक्टली रिपीट, क्योंकि इट्स कॉलेज लाइफ, यू नेवर नो कल क्या होता है, एवरी डे इज डिफरेंट। सो गाइस, दिस इज आवर बस, यस यू वांट, हाय शिवान सर, सुरेंद्र है, शिवम सर, रेशम सर आ रहे हैं। सो गाइस, देखो ये कहते हैं, सो गाइस दिस इज, वी आर गोइंग फॉर द एक्सपो एंड दिस इज आवर सर एके सर। सो हेलो गाइस, हियर इज सायन, एंड यहां पे लेते हैं, एंड आई एम शिवांश, सो लेट्स टेक अ टूर ऑफ सेंट्रल गजीबो, लेट्स गो। सो दिस इज आवर फ्रेंड्स, वी आर आल्सो गोइंग फॉर एक्सपो, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम कार्तिक है, बढ़िया है, व्हाट अबाउट यू ऋषि? माय नेम इज जयवर्धन, आई एम सिटिंग हिज म्यूजिक राइट नाउ। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वंस मोर टाइम। अरे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रदर, brother, introduce yourself. My name is Prince Adi, my hobby is photography. If you wanted to learn. Welcome back to a new vlog. Hello guys, Shivansh Mishra here. And he's Shivam. And I am Shivam. And he's Shivam. इधर सामने सारे लोग जाते हुए, ब्रो क्या करें यहाँ पे, हमारा लक्ष्य ऊपर है, वो पहाड़ सब आते रहेंगे। हाँ भाई, ये करता रहूँ मैं, और बहुत ही मुश्किल इम्पॉसिबल ट्रैक चल रही है हमारी, 50 मिनट पहले शुरू हुई है, 5 सेकंड पहले शुरू हुई है ट्रैक,
एंड हम सब थक गए हैं, वी आर एग्जॉस्टेड. मंजिल वहां पर है, जाएंगे जरूर. देखते रहिए, धीरे धीरे चढ़ाई और टफ होती जा रही है ना. सुमित सर, टफ हो रही है कि नहीं? धीरे धीरे वी आर कटिंग अप, द हाइक इज बिकमिंग टफर क्योंकि अब थोड़ी स्टीप होती जा रही है. पहले जैसी नहीं है ये एक्सपोजर. वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बट वी विल कीप गोइंग. अभी धीरे धीरे मुझे भी थकान होने लगी है. आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड. पीछे था गेट पार करते हुए रीच द फोर्ट. नाम तो बताओ. Out of 10, इस फोर्ट को कितना देना चाहोगे? Out of 10, I will give 6. At least 9 तो देना चाहिए. 9. फोर्ट को मैं 9 देना चाहूंगा. पूरे 10 के 10 ले लो यार. पूरे 10 के 10 मस्त है. सर आप बताओ, सर आउट ऑफ 10 कितना दोगे? फुल 10. एक्चुअली प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है. ब्रेक के बाद हम लोग आए शनिवार वाला घूमने. हमारे घूमने चलो, बकवास मत करो. हमारे शनिवार वाला हमारे चार पांच दोस्तों के साथ, एक हमारे प्रिय मित्र, इधर भी प्रिय मित्र, और सामने और दो मित्र जा रहे हैं. जब सांस भी कभी बहु थी. कॉलेज लाइफ कोई नॉर्मल लाइफ नहीं होती. तुम अपने कॉलेज लाइफ की मोस्टली बकचोदियां हॉस्टल में करने वाले हो. हेक्टिक क्लासेस के बाद चल अपने रूममेट में. बोल बोल बोल. कीप रोलिंग कीप रोलिंग.